संध्या सी कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर विंशतिशतिवर्ष से ये विद्यान सी तंक सत्रमीद महत्वपूर्ण सत्रे वह चर्चा भाषाकौशल द्वितीय कौशल भाषणकौशल जानी भाषण कौशल के उपया सी तदर्थ वूम भाषणकौशल्वारा छात्रण कवेश विषय चर्चा कूम पूर्व वह भाषा मनोविज्ञान मनोज्ञान सर्भे चर्चा करतवि त्रम दृष्टान उपरी ऐ बटन मध्ये लिंक अस्त त्रुम अर्हती पुनच बोस एस्टीटी आवेदनाथ दिनाक वर्धि है यदिवंत इधानर्यतम न आवेदन करीघ्रम आवेदन कुरंत पुनश ओएस एस्टी निमितम कक्षा प्रत्यम चलती त्र भाग ग्रहीतं अत तो कॉन्ट्रेक्ट हाईस्कूल टीचर निमित्त मुक्त रूपेण कक्षा प्रथम पुनः पत्री पत्र चलती है प्रारंभ कूम अद्यतन सत्रम मोक् टेस्ट अस्त सायंकाल ष सप्तवादनपर्यम तत्र भाग भाषाशिशणा यदि पशा चेहत चुनाव कौशला सी प्रारंभसमें श्रवण द्वितीय भाषण तृतीय पठन चतुर्थलखनम श्रवणसंबंधीयीडियो वह तो पूर्वमेंतव तुझ्टे बटन मध्य अस्त

तदुपरान्त एव पञ्चविंशतिप्रतिशतं कदाचित् कश्चन पठति अथवा लिखति एवं प्रकारेण सः क्रमः चलति एव किन्तु अत्र एकः विषयः हो सुनिश्चितः अस्ति यद् पञ्चत्रिंशत् भागान् यत्तो हि ते वदन्ति अतः भाषणकौशलस्य विकासः नित्यन्तः आवश्यकः अत्र तथा कष्टं न भवति यतोहि शृणुवन्ति पञ्चचत्वारिंशत् भागं ते शृणुवन्ति यदि श्रवणकौशलस्य विकासः कदाचित् न भवति चेदपि समस्या नास्ति यतोहि तत्र तेषां समस्या न भवति यही यिश्भागा वद विकासं न कूम समस्या कदाचित कस्थाईतन जन अप्द प्रयोगं कुर्वन्ति अथवा यथा अस्माकं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महोदय यहाँ स्थानं न दृष्टि ये किमें आवश्यकः अन्यथा बहु समस्या था बहुसम एव किमर्थम कथन कौशलस्य आवश्यकता अस्ति दानिम् पस्यामोहेव भाषण कौशलम् किमस्ति तत एकवारं पश्यन्तु भास्यते अनया इति भाषा भाषणमित्यक्ते किम नाम भास्यते अनया इति भाषा भाषा का नाम भास्यते यत् वदामः तदेव भाषा अस्ति या भाषया वयम् वदामः सा एव भाषा अस्ति भाषा शिक्षणस्य शी द्वितीयं भाषण कौशलम् अस्मक भाषा कौशलाय विकास ये यहाँ अस्माक चुरी कौशला सी तेज़ द्वितीय कौशल अग्रे भाषणकौशलमेव पुनः भाषण में किस्त कला अस्था यहां अस्या कलायां निपुण अस्त सजे तथा सन्म्स प्राप्त भाषण में कला यहाँ वयम संगोष्ठी सुपस्या मह वाग्वर्धिनी प्रतियोगिता सुपस्या मह यह समुचित रूपेण भाषणम ददाति सह एव किम करोति अन्ते विजयी भवति अतः भाषणम एका कला अस्ति कथन शैली अस्ति एव यस्य कथन शैली यथा अस्ति समाजे तस्य प्रशंसा तथा भवति अतः भाषण कौशल से विकास नित्यांत तो आवश्यक अस्त लघुबाला वह यूट्यूब मध्ये लघु लघु शिशु बहुत आनंदन एव एक विषय ते उपस्थय कस्िंचित विषय अन किवती अतः भाषण में कला अस्त सभी पे एसा कला नव अन वक्ता क्रमबद्धतया सुसमृद्धतया सुसमृद्धतया स्वचारा सु प्रकटयुम क्षमो यहाँ पश्यं केादशा सी यहाँ भाषण श्रोत वयम का यथा सभा गा बहु बहु बहवह जन्हा आगच्छन्ति बहवह वक्ता अर्ह समागच्छन्ति किंतु सर्वे अस्मा सम भाषणम अस्म रोचते तस्य कारणम किम अस्ति का ते भाषण शैली तथा नास्ति अतः किम भवति भाषण कला अस्ति यत्र किम भवति क्रमबद्धतया बालकः वदति सुसमृद्धतया स्वस्य मनोभावं प्रकटयति तत्र अग्रेपि अस्ति वाल्यात् यदि अभ्यास मौखिक मौखिक रूपेण परिमार्जितं भवति भाषा एतादी एक विषय नाम विषय बोति यारजन बाल्य काले यहाँस्मक उत्कलियार्ग्यज पुनच ये अवर्ग्यज क्षमता में अवर्ग्यज पुन ये प्रभेद व जानी संस्कृते युत अवर्ग्यज भवति पुनस् संस्कृते ये उच्चारण वो स्थाने कुर्मः यथा यहां अस्ति यदा हि धर्मस्य तस्थ प्रयोग होती जदा जता धर्म सेरस्वती वन याकुंदेन्दु किंत उच्चारणकुंदेन्दु अतः अस्मा ध्यान दातव्य जकार यकार उच्चारण अतः यदि समय सामधान कूम आगामी दिने लाभदायक वा। अतः बा अभ्यास द्वारा मौखिक रूप भाषा अस्मक परिमार्जनं भवति वर्णात्मक शावअभव्यक्ति मौखि अगर महत्वपूर्णबिंदुबर्णत्मक शाप अभ्यक्ति वर्णेण ये तदिखा तक लिखिम होती किर्णेण अस्माकव्यक्तिवखिभाषा वर्णेण यद लिखितम तिखित होती कि वह बद तदवस्ट मौखिक यहां अहम बतामी एक अस्त मक्ति अस्त मम बोलती माषणकौशल अतः के मुख्य मुख्य धातव्य विषया आसन बिंदव आसन य उपस्था किम भाषणकौशल आवश्यकता अस्त संश्यं यदा मुखे भाषा आगे तदर्थम अस्माक चुरी सोपना स मुख किमस्तारशा मुखनसवाणी भाषण अथवा कथन होती अस्म मुख्य युकमें आगे तदव अस्मा भाषण बवती अथवा कथन होती तब्द होत यहां ओडिया भाषा तदिपी की किस्ट मुखा यद आगछति चेदस्कथनम्थवा भाषणमित उच्य वाणी अस्माक चतुर्धा यदाणी अस्त युद्धनमस्ती तत् चतुर्धा वाणी एक अस्त परा पश्य वैखरी मध्यमा परीक्षासु बहुवार सदर्भा प्रश्न आगे अतः यदि संभव चेहद स्क्रीन शॉट्पींत पी डी एफ तो हम प्रेशयामें निश्चय यदि संभव आवश्यकता चिंत तथा स्क्रीनशॉट स्वीकर् परा वाणी कव बाणे प्रथम में परा अर्थ ब्रह्मशूप यदि किस विंत मनसी तस् प्रारंभ कि यहाँ बवंत मगे ग्छन सी मगे दृष्टव अश्वा रि अच्छन उप्शा अस्त इतनी अश्वा रि दृष्टि मन से किं चिंत हृदय इध मन चिंतन तद अनम क्या हृदय प्रति आगे हृदया तद वाणी एव प्रारंभिमें उत्पन्न होती ब्रह्मस्वूप प्रथमूपति परा ब्रह्मस्वूप मन कदाचित कदाचि वित कूम मंदीं प्रति गम चेत न नद हे भगवन् हे ईश्वर हे देव मम दुखम हर तो मी एचिध्ये उत्तीर्ण कव प्रकारेण नस्थ वो किंक सामूपेण अस्माक्रृद एवं एव हे भगवद मदचित दद सी एचिध्ये उत्तीर्णता ददगम ददय एव व न तो मुखे नद अतः वाणे प्रथम रूप परा बणी ब्रह्मश्वूप एक साक्षा कनेक्टेड सह युद्ध मनसी चिंतम परावाणी परवर्ती अस्ट पश्यश्यी अस्त प्रकाश इधान कि मनसी चिंत तदव इदान मुखेन ये प्रकाश प्रकटयुम्छति अर्थात हृदया कंठपर्यत

പ്രാരംഭസമയം പരാ ഏ പശ്യ തൃതീയ മധ്യമാ ഇത മധ്യമാന്തസസ്വരുപ്യം ഇനി പര്യന്തം വാണി പ്രകാശം നവത്ത് ഹൃദയസൃഷ്ടിജാത കണ്ഠപര്യന്തം ആഗതി ഇതോ കണ്ഠം പ്രതിവ സ സ്ഥാതി അഗ്രസാര വൈക്കരിമധ്യേ മുഖനിസ്സൃത വണി വ പ്രകട मुख्य इधनी मुख्यम तदव अस्त वैखरी अस्माक इधान अहम यदा यद शुण्वं एक तत्स वैखरीवाणी मन यदिवत अथवा गृह यदि काचि चीज समस्या अस्त यदिवत अथवा मंदिर गवयंती वद अस्मा रक्षा तदा सा वाणी परा परावाणी पुनश यदि तदेव वाणीमिन्त सबैपे मम स्वास्थ्य असमीची अस्ति तस्मिन् स्थाने साणी भैखरी वाणी ए अथवा विषयस्माक दात परा वाणी का पश्यैखा मध्यमा क अत्यन्तमहत्वपूर्णभाग हो अन्त अधिकालचित यतस्मा कदाचित प्रश्नद्वार अर्हन्ति अस्त इधानीम आग्रे बाणे हेतु चतुर्विधा विषय वे ज्ञातव महत्वपूर्ण अस्त ये सामान्य रूपेण पुनः एक उदाहरण ही ना उपस्थित मतृभाषा द्वारा बाणी चारोटी रूप रही परा पश्य वैखरीमा बहु जनक प्रोब्लम होता है कि मज़ा ओडिया कहतु तो परा पश्य वैखरी मध्यम चारोटी बाणी रूप रही फास्ट रूप होा जी ब्रह्मस्वरूप अटे जहाँकि हृदय केवल सृष्टि होता ମନ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ସେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଉଛି ବା ପରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରା ବାଣୀ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଫୋନରେ କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ଏବେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରାବାଣୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଯେପରି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଶନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶ ରୂପା ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରୁ କଥାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ସେ କଥାଟି ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ବାଣୀ ବେଳେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି ଜିଭ ଅଗରେ ଉତ୍ତରଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଥାଉଛି ଶେଷରେ ଆସିଛି ବୈଖରୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତା ପ୍ରକ ପ୍ରକଟି ରୂପା जति बेला मोबाइल र साङसहित कथ हामी मन भा चाहिँ ता जति बेला प्रकाश कति ताइ वैखरी वाणी वा, वा प्रकट रूप बहुत इम्पोर्टेन्ट टपिक टा अस् अग्रे पश्याम भाषणकौशलस विकासाय त्रिविधा अस्मा एकमस् उच्चारणे ध्यान दातव तदुपरा सम्भाषणम तृतीय अस्ति भाषण दक्षता यदि वालानां लघु शिशुनां यदि वयम भाषण कौशलस्य विकासं कर्तुम् इच्छाम तत्र ध्यानं दातव्यं प्रारम्भिकसमये किं कारणियम अस्ति उच्चारण शिक्षणस्य ज्ञानं उच्चारण उच्चारणं नामकिं न प्रारम्भिकसमये हर्षव दीर्घः प्लूतादि वर्णनां उच्चारणं तेषां तथा ज्ञानं भवेत् ते हर्षव वर्णः कः दीर्घ वर्णः कः प्लूत वर्णः कः एतेसं ज्ञानं तेषाम् सपि उदाहरण उदाहमेक अहम वादी मूषा शब्द अस्त मूषि अथवा उड़िया भाषा वाला इति तथे अपर कस्चन शब्द अस्त मूर्ख क्षम्यता लिखा मूर्ख बहुजना एक उच्चारण मूर्ख वेवल हर्ष उच्चारण कुर अतः अत्र दीर्घूकार से उच्चारण मूर्ख मूषा एवं प्रकार से वर्ण से अथवा एकदस उच्चारण वूँ दीर्घस्थर्ष से उच्चारण कूर मूर्ख एवं मूषाव सर्व हर्षोकार से उच्चारण कूँ य वो शिक्षक भवाम यदि वयम एताद प्रयोग कूम छात्र कथम प्रयोग कैसा अस्मा ध्यान दातव छात्र यहाँ हर्षवर्ण से दीर्घवर्ण से प्लूतवर्ण से उच्चारण सामनूपेण नव भिन्न भिन्न भवे प्लूतर्ण से तथा हर्षवर्ण से नर्ष तथा दृघ से न सर्वेशा भिन्न रूपेण करणीयम् तदर्थ पाणनीय भाषा विज्ञानम आवश्यक स्थले पाठनीय वर्ण उच्चारण शिक्षा अस्त परवर्ती स्थने अल्प प्राण महाप्राणवर्णयो प्रभेद जातव्य अल्पप्राण ये वर्ण वर्णा अल्प्राणयुक्ता सी ये वर्ण महाप्राण सी एत अभेद विज्ञापनीय अहमेक छात्र दृष्टवा अष्टमी कक्षाया छात्र आसत सी बी एस् मध्ये अस्त सह वर्णद्वयस मध्य प्रभेद ज्ञात न ट थ पार्ति थम्थ नजरती अलप प्राण महाप्राणभेद नाटस्थ लिखति थ लिखति पुनच क ख तस्य कारणं किम् अस्ति नाम तस्य कारणं भवति सः अल्पप्राण महाप्राण भेदं सः न जानाति एव अतः सः किं करोति टस्तने ठस्य प्रयोगं करोति अतः यत्र अल्पप्राणस्य उच्चारणं भवति तत्र वयं तथैव कुर्मः अल्पप्राणस्य उच्चारणं यत्र महाप्राण भवति तत्र किञ्चित् दीर्घरूपेण वदामः येन छात्राणाम् अवगमनं भवति वर्णानां प्रभेदः पुनः सत्रयाणाम् उच्चारणम् अपि उत्कले एषा समस्या सर्वदा अस्ति पूर्वमपि आसित सत्रस्य समानरूपेण उच्चारण बहुसुस्थाने सोपि दृष्टवान दुरुष, प्रायः +2 पुनश्च दशमलवख्या छात्राः सत्रस्य नामम अपि ते न जानन्ति यथा तालव्य स कुत्र भवति कह तालव्य स कह दन्त्य स कह मूर्धन्य स किमर्थम न जानन्ति यतो हि स इति वर्णस्य उच्चारणं वयम सर्वत्र समानरूपेण कुर्मः मम अपि एव भवति उच्चारणम् अतः सत्रेषु उच्चारणं भिन्नभिन्नरूपेण कुर्मः येन छात्राणाम् अग्रिमदिवसे भाषणकौशले अपि विकासः भविष्यति पुनश्च यथा छात्राणामपि विकासं करणीयम् एतस्मिन् क्षेत्रे येन तेषां लाभः भविष्यति स्वरवर्णानां व्यञ्जनवर्णानां च स्पष्टतया भाषणं यत्र यरवर्ण अस्त तस् सम्यूपेण उच्चारण यंजनवर्ण अस्त तपस्थेण उच्चारण स्पष्टूपेण भाषण दातव्य अस्क भाषण दक्षता अभी उच्चारण जानवर्धन एक अबत अल्प प्राण महाप्राणेद प्रदर्श प्रदर्श्य भाषण महाप्राण अल्प्राण महा मध्ये प्रभेद प्रभेदर्शनीय पुनस प्रभेदर्शय भाषण करनीय येन छात्र अभी अग्रिम दिवस भाषण कैसे रहानुगुण भाषण आरोह अवरोह क्रम संपन अत्यंत महत्वपूर्ण अस्त रगुण आवश्यकतागुण यीर्घम करनीय तीर्घरूपेण वक्त यदीस्वरेण वक्त धीरेस्वरे वक्त यहाँ की वाणी हृदयंगम होती यहाँ पश्यं अस्माक प्रधानमंत्री यहाँ भाषण भाषणकौशलस्य विकासं करोति यथा पश्यति यत्र दीर्घवर्णस्य उच्चारणं करणीयः अस्ति यथा वदति मेरे प्यरे भाईर्वेनो मेरे यदा वदी उच्च वजतीयेनो यदा वदी सन्न वजतीरो अबरोक वक्त क्यूनत वक्त अत्र दातव्यं येन दातव्यन किं भवति वाणी णीहृदयंगम बवती तथा छात्रन की अस्मा प्रशिक्षण दातव्य अग्रे तथे भाषण दास्य आसी भाषण दक्षतास अथ उच्चारण से से भाषण विषण विधम उच्चारण संभाषण भाषण दक्षता उच्चारण विषय ज्ञातव इधं संभाषण अभ्यास विषय जानी इदानं उच्चारणे सह जानती शब्द वर्ण जानती तदोपरांत सह शब्द ഇതാനം തന്നെ തദ്കാരം പശ്യമു ഇനി സർണശ്ദം ജാതവാൻ ഇതും കൂട്ട ഉച്ച സർക്കും ജാതി ഇതും സംഭാഷണ കാരണീയ സംഭാഷണേ ശുദ്ധ ഉച്ചാരണം നിത്യാം ആവശ്യം പ്രായ വേണ്ട പശ്യാ ബഹുത്ര ഭാഷാ യുദ്ധ വേണം പശ്യമഡി ഭാഷ ഒഡിസാരാജ്യത ഭിന്നിപ്പേണവ ഉച്ച प्रति दस किलोमीटर्न ताषाया अंश भिन्नरूपेण अस्त अतः शुद्ध उच्चारण निवश्यक यहाड़िया अस्थव अस्मक संस्कृत भाषा अवित अतः संभाषणे शुद्ध यहाँ भव्य प्रत्यय सत्रय वर्णान शुद्धरूपेण उच्चारण निमश्यक वहुत्र पशा जन शुद्धपेण अ उच्चारण अन्त सम्स अभ्यास अब उच्चारण विषयअतव्य सभाषण विकासाय वा छात्र विद्यालयस्त सम्भाषणवर्गस अभ्यास पारा सम्षण कार्यला अभ्यास व्यवस्था पाराभ्या अस्मा आन्स द्वम्ति एकरण आधारित संरचना अन्य अस्ति सान्दर्भिना सामूम इदानी व्याकरणसंबंधी संरचना कि पुनः सांदर्भिचना कि यहां वे संभाषण छात्रन पाठयाम तस्वीन समय अस्मा ध्यान भवे शब्दूप धातुपा आदिना सुप्रयोगो यहाँ प्रायतः बहुषु स्थानु पशा शब्दूपाण सम्य प्रोग छात्र न कुरान माँ भी नव अहम संस्कृत संभाषण कौमी माँ तथा कदाचि अशुद्धता अतः व्याकरण आधारित संरचना ऊपरूप धातुप आदिना यहाँ सुप्रयोग भव ध्यान दातव्यक्यम अस्माकनिषदे उल्लिखित अस्त शब्द सुप्रयुक्त साम्य ज्ञान स्वर्गलोके कामुगव अर्थ अक शब्दी वह जानी तरह प्रयोग यदि वम्यूपेण कूम रूपेण अस्क त्रि स्वर्गे लोके च कामदुग्ध भवति स स्वर्गम गत्वा मोक्ष प्राप्ति एवतस्य भवति अतः अत्रस्मग ध्यानम दातव्य है अ चेमेतमत्र एतद वाक्यम कुत्रासितमस्मरणिक कदाचित नास्ति तैत्रिय उपनिषदस्य शिक्षा वल्लरी प्रकरणे शिक्षाम व्याख्यायम इति अपि व्याख्यायस्याम इति अपि तत्र उल्लेखित साम हा, संतान हा। एम्बंप तेतरी उपनिषद उल्लिखिता अस्त वाक्या कदचि बहुत महत्वपूर्ण यदि कदचि डायरेक्ट क्वेश्चि आगे चेहर एतादृश प्रश्न एव परवर्ती विषय अस्त संरचना अर्थात भाषा संभाषण सेकासमें अस्माक व्याकरण विषय ध्यान दातव्य सांदर्क संरचना अतः सुभाषित पाणनीयशिषाया अस्ट व्याघ्रीय था हरेत पुत्रन द्रष्टाभ्यां न च पीडयेत् भितापतेन वेदाभ्यां तद्वद्व्रण्णान् प्रयोजयेत् इत्युक्ते यदा कदापि यथा व्याघ्रिं यदि वयं पश्यामः चेत् व्याघ्रविषये न वदामि व्याघ्रिविषये वदामि व्याघ्रस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति व्याघ्री व्याघ्रियता यथा हरेत् पुत्रान् यदा व्याघ्री किं करोति स्वपुत्रान् नीत्वा अन्यत्र नयति यदा सः शावकान् जन्म ददाति तदुपरान्त यदा सः स्वस्य पुत्रान् रक्षणार्थं किं करोति मुखे एव स्वस्य पुत्रान् धारयित्वा एव अन्यत्र नीत्वा स्थापयति व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् हरित् नाम हरणं कृत्वा नयति स्वीकृत्य नयति द्रष्टाभ्यं न च पीडयेत् द्रष्टाभ्यम् अर्त्युक्ते दन्तस्य मध्ये तस्य पुत्रः भवति किन्तु कदापि तस्य कृते कष्टं न भवति यहाँ बिडाल वश्या अन्यत्र नयति स्वीप अयति काले स्विशून भी स कष्ट न सर्वे जंतव कव्री न जंत स्वन स्थान कुर यशवत्त तस्मा अन्यत्र वितापतेन भेदाव्यम तर्ण प्रयोजन तथे अस्माकर्णनमें उच्चारण तथे तस्य शब्दस्य हानि अथवा वर्णस्य हानि न भवेत् पानीयशिक्षायासी अत्यमूर्णवाक्यमस्तु साक्षात्श्व पृछते चेहद अतिम्वाक्यम कि प्रुम अर्हति हैाषणकौशल चर्चा कूम भाषण दक्षता उपाय समय उच्चारण द्वितीय संभाषणकौशल तृतीय भाषणकौशल भाषणकौशल कि भाषणकौशल विस कथम कूम भाषण दक्षता कथम प्राप्त तदर्थमस्माक ध्यानं दातव्यं विद्यालये विद्यालय आयोजनं करणीयं यथा बाल्यात् एव मातृभाषा पठन्ति अतः मातृभाषा क्षेत्रे तथा भवति हिन्दीभाषामपि भाषा दूरदर्शनात् दूरदर्शनात स्थानात् अपि पश्यन्ति अतः भाषा अपि तेषां दक्षता भवति किन्तु संस्कृतं ते न शृणवती अत विद्यालय संभाषणशिबिर आयोजन अस्ति एव अभिव्यक्ते विकास भवति यदि विसं कूम चेत कि भाषण कौशल से प्रयास कूम त्री छात्रा मौलिक अभिव्यक्ति कर्त व्यम पारायाम चाणक्यक्यस्त विद्या प्रमाण मुख्य भाषण यदि कशन विद्यावां अस्ती कथम पारयाम पारायाम मुखे यदि भाषणमस्तान सामजे वशा इधान बहु जो कि चिट्टिंग कृत्में उत्तीर्ण बवती त्रे परीक्षसु धन इतम प्रेषय्वा त उत्तीर्ण होती यहां सी एस टी मध्ये बहुत जान तथे धन दत्त उद्योग प्राप्तवतना उसी किस्म क्षेत्र इंटरव्यू तेसम ज्ञान से आकलन भवती है अतः चाणक्य वा से वाक्य मुख्यमस्ति विद्या प्रमाण विद्या प्रमाण मुखम भाषण च विद्याभवन कियत ज्ञानी अस्ति तस्य मूल्यांकनम केन भवति नम इंटरव्यू द्वारा एव भवति मौखिक परीक्षा द्वारा एव भवति अतः भारतस्य सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी परीक्षा यां अपि मौखिक व्यवस्था अपि वर्तते अस्तु अग्रे ಸಾಂಪ್ರತಿುಗೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ರವಣ ಅಭಾವ ಬಹು ಅಥವಾ ವಯ್ ಭಾಷಣೆ ಧ್ಯಾನ್ ದೇತ ಭಾಷಾ ವಿಿಕಸ ಸಂಭವತಿ ಇಂತುಗೇ ದ್ರಷ್ಟುಮರ್ಹಿ अप्रायः सर्वत्र जनः सर्वत्र संस्कृतस्य प्रयोग कुत्रापि संस्कृतस्य प्रयोग न अस्ति सर्वत्र त तो ओडिया अथवा हिंदी भाषया प्रयोग भवति विद्यालय तो संस्कृत कक्षासु अपि अतः अस्माकं कुत्र ध्यानं दातव्यं नाम संभाषण क्षेत्रे वयम् कथं छात्रिषाकं अधिकाधिकसंस्कृतेन संभाषणं कुर्मः ततर्थं अस्माकं प्रयासः करणीयः पुनः यतो हि श्रवणस्य अभावः अस्ति संस्कृतास्य वार्तां श्रोतुं मम इच्छामित्रे प्रातः काले पञ्चनविमेष एव वा आकाशवाणी मध्ये आगच्छति सप्तह एकवारं एव एक, एक घंटात्मक कार्यक्रम वार्तावली द्वारे वागच्छति इतोपि नाम वैकल्पिक नाम विकल्पकम्पि विकल नास्ति मम समीपे अतः मम किं करणीयः अत्र नाम यवण तो से अभाव अस्त छात्रा अतः अहम स्वयम कक्षासु संषण कौमी चेहर छात्रा भाषा विका भविम अर् प्रश्न बहु विकूपे भव अर्हति यद नम एत अंश सूपेण पढ़ती चेहत बहुलाभदायक भविष्य पश्यु मानसिक नाम भाषण द्वारा कितनी तरह एक ध्यान दम एव मनसिकारामम्युवती यहाँ पुराणादि उपलब्ध उपल नीति शिक्षा सु कथम प्रेरयाम नाम संभाषणार्थ वयम किं कुर ते कुर्मः तेषां कृते वदामः भवन्तः पुराण इत्यादि कथान अपि पठन्तु तान अपि श्रावयन्तु येन किं भवति पुराणादि कथां पठित्वा तेषां मानसिक भारसाम्यम यथा वयं समाज पश्यामः बहुजनः डिप्रेशन मध्ये गत्वा मृत्युवरणं कुर्वन्ति अतः तादृशं भाषणं तादृशं वक्तव्यम् अस्माकं वक्तव्यं येन तेषाम् आग्रहवर्धनं भविष्यति नाम श्रोतॄणाम् आग्रहवर्धनं छात्राणां कृते वयं वक्तुं पारयाम चेत् सम्यक्रूपेण अस् किं कुरु कुर्वन्तु नाम पुराणाद उपलब्धग्रथन पठन तत तहुव विकल्पा सांग ध्वनीतत्वसंबंधित समधीय ज्ञान स्वरवर्णा व्यंजनवर्णाच्या स्पष्टतया भाषणं तदर्थम तेषां कृते अस्माकं वक्तव्यं स्वरव्यञ्जनस्य अपि स्पष्टतया नाम व्यवहारं कुर्वन्तु पूर्वमपि उक्तवान् अल्पप्राणमहप्राणस्य अपि प्रभेदं प्रदर्श्य भाषणं वक्तव्यं पुनश्च गद्यपद्य गद्यानुगुणं भाषणं प्रायः बहवः जनाः भवन्ति पद्यमपि गद्यरूपेण एव वदन्ति यथा अभिज्ञानशाकुन्तलं पठन्ति तथैव रघुवंशमपि पठन्ति यथा तथैव न मेघदूतम् अपि पठन्ति पद्यमेव गद्यरूपेण पठन्ति यतोहि तेषां स्वरः नास्ति एव पूर्वमें मम तथा स्वर है आसानद प्रयास कौर युभा तंचित शुभाषित शैल्या वादा अन छात्रा ना किचि श्रोत जागरूकता होती अहम स्वयंप दृष्टवा अहमेकस् कक्षा एक कक्षा प्रति गुभाषित ग्यूपेण पाठित द्वितीय दिवस कचन शिक्षक आगत सह तेक संस्कृत शुभाषितान शुभाषित स्वरे पाठित छात्र सुभाषिता कि अभ्यास कुर इदानमें तथे कौर कवल स्वरेण गीता छात्रण संभाषण से परवर्ती विषय अस्त गद गे पद्य उभय अस्मा ध्यान किंचित दातव्य पुनचस्टर रसागुण भाषण आरोह अवरोह कर्मसंपादन रस यूपेण वक्तव्य तथे वक्तव्य छात्रण बौद्धगम्य भ्यति ते अग्रे तथे वदिष्य अंतिम काल अस्त प्रयास छात्रा यहां भाषण दक्षता भविष्य तदर्थम पुनः प्रयास अभी कूल्यांकन यद वाद मूल्यांकनमें अस्माक भाषण दक्षता वृद्धि निम्त भयदूरीक सभासमीतिसुप्वा भाषण भय दूरकरण दूरीक भविष्य यहाँ अहम मम अहम कदापि मम जीवन भाषण न दतवा प्रारंभिक समय जम्मू भाषण दतवा तदुपरा मम सभासुवे दतवा अतः मन यूर्णेण इदानमत इदानम युम भाषण भवामि अतः तत्र अस्मा प्रयास करनीय भाषणकौशल सामें ये यून विषे वर्चा कूम तकमेक उदाहम स्थयामी भाषण भाषणकौशल सेरव्यंजन बढ़ा स्पष्टत भाषण करयाम चेत छात्रा विसपाण महाप्राणे भेद प्रदर्श्य भाषण द्व चेत जान आकृष्ट जानना आग्रह तथे भाषण दातव्य ग्यपो गुण भाषण यद्यस्त गुण भाषण अस्ति तत्र पद्यागुण भाषण ददम तत्र प्रयोग तथा कूम चे छात्राणम जान तथा आक्रु नाम कि आकृष्ट होती अस्माक भाषण प्रति रसागुण भाषण आरोह अवरोह क्रम संपादन भावानुगुणं भावागुण समुचित रूप समुचित यथा उपयोजन यहाँ बहव उतवंत ओडिया भाषा प्रयोग मास्तु ये तो सरल संस्कृत प्रयोग द्वारा अभी भवंत रूपेण ना अवगत नाम अस्माक अवगमन कारयती अतः

जन मा वा अवगम अवगमन कई यहादूर पर्यटन गच्छ तब्चरण वक्त ये निकटे समीपे मम वाणी नाम स्पर्शति हृदय शत्रुण य आगत होती तथा भाषण भाषणदान प्रेरणा प्रदान श्रोता युद्ध श्रोत तथे भाषण दातव्य लघुवाला कि श्रोत यथा ते पंचतंत्र हितोपदेशोतशी व्यवस्था करनीया मध्यमिकर छात्र के तथे करणीय उच्चस्तरीयजना वृद्धस्तरीयजना किशोर स्तरीयजना केस दृष्टि यदि वाषण ददम चेत अस्माकूचिकरती है अतिमबिंदु अस्तवराधविराम अनुगुणं भाषणं यत्र विरामस्य आवश्यकता तत्र विराम यराम से आवश्यकता तथा अर्धविराम भाषणं किंचितिचित सन्ने सन्ने बहु लाभः भवति एव

लू तृलसा दंता अर्थ दृवर्ण तवर्ग वर्ण अभी उच्चारण दं अभी नतः विकल्प पाद मनुष्य वाणी यहाँ प्रकटिता का प्रकटिता वैखरी एवती अतः सब्य विक अतः वैखरी होती अंतिम पर्यत ये पश्य उत्तरादी ब्रह्मी प्रारंभिवाणी बाणे प्रथम पश्ययमाध्यमती मध्यम अन्तकण्ठस्था भवति अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र वैखरी इति भवति एव मित्राणि एते एव केचन अद्यतनप्रश्नाः आसन् येषां विषये वयं सम्प्रति चर्चां कृतवन्तः पुनः मिलामः आगामि सत्रं तावत्पर्यन्तं विरमामि जयतु भारतं बतु संस्कृतं वन्दे मातरं धन्यवाद मित्राणि